नमस्कार, आप सभी लोगों का सेकंड एपिसोड में स्वागत है। जो कि हम मिस्टर शास्त्री जी से बात कर रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा वो चर्चा का विषय रहेगा कि भारत में भ्रष्टाचार, भारत में अपराध, राजनीति में अपराधीकरण, क्या उसका कोई बाहर निकलने का रास्ता है या हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि जिसके नीचे कोई रास्ता नहीं है। अन्ना हजारे जी सामने आए, एक लोकपाल एक्ट बन गया कैसे भी करके, उसमें जो है आज के दिन लोकपाल महोदय भी विराजित हैं। ये विडंबना का विषय है कि शास्त्री जी, आपने अपने लोकपाल महोदय का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है। तो जब आप जैसे जर्नलिस्ट जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल जानकारी रहती है, हमारे लोकपाल महोदय को कितनी तपस्या करना पड़े होगी अपना नाम छिपाने के लिए जी, एंड किस मकसद से, जहां पे कि पूरा देश आंदोलित हुआ था, जहां पे ये महसूस किया गया था कि लोकपाल आ जाएगा तो ये देश जो है ना भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, उस पाखंडी केजरीवाल से पूछा जाए कि तू जो है ना इस चीज को जो है ना आगे लेके आया था, तू जो है ना अन्ना हजारे जी को दिग्भ्रमित किया था, फिर वो एक्ट कहाँ है, इससे जो है ना इतने इतने साल हो गए हैं, भ्रष्टाचार तो रोज बढ़ रहा है। राइट, अब जो है ना भ्रष्टाचार के बारे में अपन थोड़ी देर से बात करेंगे, थोड़ा सा अपराध की क्रिमिनलाइजेशन के बारे में बात करें। आप याद करिए, जब आप बच्चे रहे होंगे तब क्रिमिनल्स जो है ना बाहर से नेताओं को सपोर्ट करते थे। धीरे धीरे क्रिमिनल्स ने भी महसूस किया और नेताओं ने महसूस किया, ये तो बड़े अच्छे प्राणी हैं, ये पैसा भी लाते हैं, ये लोगों को डरा भी सकते हैं, इनके पास सब हथकंडे हैं, तो इनकी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखिए, वो आंकड़ा बढ़ते बढ़ते इस समय 42% आज की डेट में 42% ऑफ द पार्लियामेंट्रियन दे आर हैविंग द क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड 29% ऑफ देम दे आर हैविंग वेरी सीरियस केसेस ऑफ मर्डर एंड रेप। कितना विडंबना का विषय है कि जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए आपको शिक्षित भी होना चाहिए और आपको सदाचरित आचरण वाला भी होना चाहिए, उस देश में देश की बागडोर संभालने के लिए, देश के कानून निर्माता बनने के लिए साचरित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहने के बावजूद भी मोटी खाल के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ये 42% निश्चित तौर पर 2024 में 50% को क्रॉस करेगा, तो फिर क्या हम डेमोक्रेसी कहेंगे इसे? हमने इसके लिए एक वर्ड ईजाद किया है, क्रिमिनलोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड क्रिमिनलोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल बाय द क्रिमिनल्स एंड फॉर द क्रिमिनल्स। ये क्रिमिनल के पुलिस विभाग होगा, इन क्रिमिनल्स का गवर्नेंस होगा, इनके कलेक्टर्स होंगे, यही कानून बनाएंगे, तब मुझे डर लग रहा है कि आपके चूतड़ों का क्या हाल होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेटली क्या होगा, हम कैसे भारत में रहेंगे। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देते हुए, आप एक प्रखर पत्रकार रहे हैं, आपकी क्या धारणा है, हमारी क्या सोच होना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से किस तरीके से प्रार्थना करें जिससे कि इस गूढ़ विषय पे कि बिफोर जो है ना ये डेमोक्रेसी गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिमिनलोक्रेसी, इस पे जो है एक वो नियम बनाए, वो एक कानून बनाए जिससे इस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, यदि देश के कानून निर्माता मेजॉरिटी में क्रिमिनल्स होंगे तो हम एक अच्छे देश का निर्माण नहीं कर सकते। शास्त्री जी, दो तीन बातें एकदम से आई, जैसे आपने पहले लोकपाल की बात करी। अच्छा, लोकपाल की तो अपनी जगह बात है, उसके अलावा इशू ये उठता है कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी है दिल्ली में, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेकर के मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैंने स्वयं अपनी, जब मैं एक न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे कुछ बात सामने आई, तो मुझे लगा कि ये तो भ्रष्टाचार है, साफ साफ भ्रष्टाचार है, और वो कंसर्निंग सेक्रेटरी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो सेक्रेटरी का भ्रष्टाचार का मामला मेरे सामने आया और मैंने वो सीवीसी को भेज दिया। सीवीसी ने त्वरित मुझे एक जवाब दिया कि आपकी ये जो शिकायत आई है
उसी डिपार्टमेंट के जो विजिलेंस ऑफिसर हैं उनको वो डायरेक्ट कर दिया गया है, और कृपया इस विषय में अब आप हमसे कोई कम्युनिकेशन ना करें। मैंने कहा अच्छा, लीपापोती हो गई, जिस विभाग के जिस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत है भ्रष्टाचार की, उस डिपार्टमेंट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दिया, यानी सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल अधिकारी के पास भेज दी गई शिकायत। तो मैंने एक तरह से हताश हो गया था। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम से मेरा मतलब है करीब 4 महीने बाद, सीबीसी की मेरे पास फिर एक चिट्ठी आती है कि सीबीसी के जो रूल्स हैं उस रूल के फला फला रूल्स के तहत ये जो आपकी शिकायत है ये डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग के सेक्रेटरी के पास भेज दी गई है, क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी के खिलाफ शिकायत है तो जब डीओपीटी के सेक्रेटरी का क्लियरेंस आएगा तब। तो ये एक उदाहरण देके मैं बताना चाह रहा हूं कि शिकायत में कुछ गलत हुआ है, शिकायत पकड़ी जाए तो वो गलत बात रोकी जाए, तो ये पोस्टमैन की तरह सीबीसी काम कर रहा है। और इस मामले को आप किसी भी लेवल पे पहुंचा दीजिए वो वहीं का वहीं घूम रहा है। और एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा, एक वो लंबा किस्सा है कि एक विशेष जो नहीं जो बॉर्डर सशस्त्र बल है उसका एक समझ लीजिए एएसआई काफी त्रस्त हो गया और उसने एक एप्लीकेशन डाल दी कि हमें तो आप रिटायर कर दीजिए। कुछ टाइम बाद उसके सर में सद्बुद्धि आई होगी कि रिटायरमेंट इज नॉट अ सॉल्यूशन, उसने दोबारा अर्जी लगाई कि मैं अपनी विड्रॉ करना चाहूं। उसके बाद वो उससे कौन सा ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा होगा कि उसको एक दिन उन्होंने रिटायर कर दिया। ये वाली बात हमने जब समाचार किया तो उसको हमने पीएमओ में भेजी शिकायत और हेडक्वार्टर्स में भी भेजी। वहां से हमें जवाब आता है कि इस व्यक्ति को सारे मौके दे दिए गए थे एंड ही वॉज वेरी डिफाइंड, सारी प्रक्रिया फॉलो करके इसको रिटायर किया गया। फिर जवाब आ गया, उस व्यक्ति ने अपना फॉलोअप किया होगा डीआईजी के खिलाफ, आईजी को उसने अपना एक पिटीशन लगाया एंड जो आईजी का आदेश आया अल्टीमेटली लास्ट लाइन वॉज तत्काल प्रभाव से आज ये व्यक्ति रीइंस्टेट किया जाए, वेंडेटा से इसको हटाया गया है, इसको कोई मौका नहीं दिया गया, और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आईजी का। मेरा ये कहना है कि किसी व्यक्ति की हम ग्रीवांस लेके पीएमओ तक गए, ग्रीवांस लेकर के हम हेडक्वार्टर्स तक गए और एंड में व्यक्ति को घर भेज दिया जाता है, जब इंक्वायरी होती है तो सारी बातें गलत पाई जाती है। और मेरे को चिट्ठी आ गई कि तो आप तो वेंडेटा से किसी के दुर्भावना से ये समाचार कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी दो बातें मैंने बता के। अब जो आपने कहा लेकिन आप जो है एक इसमें एक स्वर्णिम चीज आप भूल रहे हैं कि उसमें वो आईजी उस चरित्र का व्यक्ति बैठा हुआ था, आज शायद उस चरित्र के आईजी उपलब्ध नहीं है। आज यदि वही चीज रिपीट होगी तो वो रिस्टेट नहीं होगा। बिल्कुल, हमारा चरित्र बहुत गिर चुका है। तो अब इसी से आगे बढ़ते हुए हम आना चाह रहे थे राजनीति और ये जो नेक्सस की बात की जाती है। देखिए लंबा समय, आज नहीं मैं पीछे चला जाता हूं समय में, बहुत पहले समझ लीजिए 20 साल पहले, और लगातार नेताओं से पूछा गया कि राजनीति से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, मनी और मसल पावर कब खत्म होगा। हमें हमेशा ये जवाब मिला है तो पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो जाएगी तो सब दूर हो जाएगा। ये खुल के जवाब दे दिया है और एक सफेद धुले एकदम नेता जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता वो कहते हैं कि जब पब्लिक फंडिंग हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। पब्लिक फंडिंग नहीं है यानी वो एडमिट कर रहे हैं सब हो रहा है, तो यानी पार्टियां पैसा कबाड़ रही हैं, चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और सारी मान्यताओं को एक तरफ पटका जा रहा है और पॉलिटिकल बॉन्ड्स। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि फंडिंग हो रही है, फंडिंग ही प्रॉब्लम नहीं है, फंड कौन दे रहा है इसकी प्रॉब्लम है। तो आपके पास यदि 1 रुपया आए तो कहां से आया है ये लिखने में क्या दिक्कत है? आजकल के डिजिटल जमाने में तो नॉन डिजिटल कंट्रीब्यूशन लेने पे प्रतिबंध होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको जरूर मालूम होगा कि बीच में एक बॉन्ड जारी किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन देने के लिए, और वो अनोनिमस बॉन्ड था जिसमें करोड़ों रुपए आया। वो अनोनिमस बॉन्ड क्यों था? इसका मतलब है दुष्टता तो जो है उस स्कीम के बनाने में ही नेत थी। इसके लिए बड़ा सिंपल सा काम हो सकता है कि दो चीजें कर दी जाए कि
जिसको जहां से लेना है इलेक्शन के लिए ले लें, हालांकि हम उसके लिए अभी एक बहुत अच्छी घोषणा अभी करने वाले हैं, वो जो जो अभी करेंगे। इसमें जो है आप जिससे जो चाहे ले लीजिए आप, लेकिन यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी मनी इन कैश, नंबर वन। नंबर टू, इट हैज टू बी ए डिजिटल पेमेंट, देयर हैज टू बी ए डिजिटल रिसीप्ट शुड बी गिवन टू द इंडिविजुअल, राइट। जो आप बॉन्ड लेते हैं, कुछ लेते हैं, और एग्रीगेट करके जो बड़े लोग हैं जिन्होंने ज्यादा पैसा दिया है, दे शुड कम आउट विद द पॉलिटिकल एडवोकेसी। नाउ आई एम सेइंग कि यदि मान लो मैं 100 करोड़ रुपए किसी पार्टी को देता हूं, तो आई एम हैविंग द राइट कि मैं 100 करोड़ दे रहा हूं तो देश को ये दिशा दी जाए, उस चूंकि जो है ना ओपनली एडवोकेसी की जाएगी, जिसको लॉबिंग कहते हैं विदेशों में, यदि सीधे लॉबिंग की जाएगी तो हम एक अनुकूल जो है ना पॉलिटिक्स निर्धारित कर पाएंगे। अभी जो गेट के पीछे हो रहा है, तो हमने आपको 100 करोड़ दे दिया है, फिर हमने ऐसी नेगेटिव पॉलिसी बनवा के अपने फायदा कमा लिया, 100 की जगह हमने 1000 करोड़ रुपए उससे पैदा कर लिए, तो हम जो है ना 100 करोड़ दे के बहुत बहुत अच्छे भी बन गए, जबकि हमने पब्लिक से और बाकी लोगों से 1000 करोड़ भी कमा लिए। तो ये जो दुष्टता नहीं होना चाहिए, इसका पूरा पब्लिकेशन होना चाहिए, और एक टोकन 1% जो है ना इनकम टैक्स उस पर लगा देना चाहिए, जस्ट फॉर कैटरिंग फॉर द अकाउंटेंसी। वो पैसा लेना उसकी नियत नहीं है, तो जस्ट टोकन 1%, या हम तो 0.01% पे भी एग्री है, लेकिन उस पर जो है ना लेट देयर बी अ टैक्सेशन, टोकन टैक्सेशन, दैट सो दैट दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लुक इन टू इट। मुझे इस बात में भी जो है ना आपत्ति है कि चाहे वो पीएम फंड हो, चाहे कोई भी फंड हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, उसके एक्सपेंडिचर को जो है कैन नॉट बी डिस्क्रिशन ऑफ एनी इंडिविजुअल। पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, और जो भी डिसीजन ले रहा है उसका पूरा रैशनल के साथ वो जो है देश के सामने आना चाहिए। पब्लिक मनी कैन नॉट बी स्पेंट इन ए ब्लाइंड फोल्ड। मैं एक बात इससे अलग हट के बताना चाह रहा हूं, अभी यूपीएससी के रिजल्ट आए तो सोशल मीडिया में लोग अपना रिजल्ट बता रहे हैं कि मेरा 16th रैंक आया, मेरा 50th रैंक आया, तो उसके नीचे सिविल सर्विस के रिटायर्ड लोग तक उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, और जब कहा जा रहा है कि आप देश की सेवा करिए, वो अपने ड्रीम्स बता रहे हैं कि हम देश को सही रास्ते ले जाना चाह रहे हैं। जब मैं ये पढ़ता हूं तो मुझे एक वाक्या याद आता है। एक बार प्रोबेशनर्स को मैं लेक्चर देने एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में गया, तो उसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने जो आईपीएस महाराष्ट्र कैडर के, और मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ उनकी जो उस समय पोस्टिंग थी, शोलापुर या सतारा कहीं पर, उन्होंने जो बोला वो दहला देती है बात। वो कहते हैं कि हमने तो पुलिस सर्विस ज्वाइन की कि हम इस देश को क्राइम फ्री करने में कुछ करें, तो वहां जब मेरी पोस्टिंग हुई तो हमें पता चला कि बूट लेगिंग बहुत हो रही है, नकली शराब बनना, और तो थाने में उनकी ट्रेनिंग की पोस्टिंग थी, तो थानेदार ने सिर्फ बातें उठी, तो उन्होंने बताया यहाँ यहाँ होती है, तो इनने कहा चलो रात को हमें ले चलो बीट पे और दिखाओ। इनने ऑन द स्पॉट जहां देखा वो वहीं पर पुलिस एक्शन भी कर लिया और रिकॉर्ड पे ले आए कि यहाँ ऐसा हो रहा था। नेक्स्ट डे ही वॉज समन्ड बाय द DIG ऑफ दैट एरिया, ही वॉज रिव्यूड एंड ही सेड कि मैंने तो ऑलरेडी कर लिया, ऐसा पेपर पे आ चुका है, अब तो एक्शन की जरूरत। And he said within 24 hours of that, he was suspended. And he had come for this probationer's course under suspension. He says, हमारी सारी आग जो अंदर की है, कुछ कर गुजरने के लिए, देश के लिए, उसको तो भस्म कर दिया उस एक वाक्य ने। आपने जो है ना इस बात से मुझे थोड़ा सा कुछ और कहने के लिए मजबूर कर दिया, अदरवाइज मेरा सोचना था कि इसको चिंतन को यहीं पे विराम देंगे। आप ये बताइए कि 2004 के बाद जो भी पेंशनर्स हैं, मतलब पेंशनर तो कोई होगा नहीं, किसी भी ब्यूरोक्रेट को इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस, ही इज हैविंग नो एंटाइटलमेंट फॉर द पेंशन। ये पेंशन का एक थोड़ा सा बैकएंड पे कुछ कुछ जो है ना अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है, वो अमाउंट कब किस जो है ना षड्यंत्र का, किस स्कैम का हिस्सा बन जाए, नोबडी नोज। तो आज आपने ब्यूरोक्रेट जो कि इतने समय से अपनी नौकरी वो दे रहे हैं, पहले वो निश्चिंत होकर, उनमें से कम कुछ लोगों में तो इतनी हिम्मत होती थी कि उन्हें कोई चिंता नहीं रहती थी, उन्हें मालूम रहता था कि हमें पोस्ट रिटायरमेंट किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, हम रिस्पेक्टफुली अपनी जिंदगी गुजार लेंगे रिटायरमेंट के बाद। क्या ये सोची समझी साल चाल के तहत
ये पेंशन बंद की गई है जिससे कि ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग में एक अनसर्टेनिटी लाई जाए, जिससे कि वो इस दौरान भ्रष्ट हों, और भ्रष्ट होंगे तो दे विल बी मोर ससेप्टिबल फॉर द पॉलिटिकल प्रेशर। जब वो चोर की कैटेगरी में आ जाएंगे तो फिर डर डर के काम करेंगे, तो उनको एक बहुत ही कंप्लायंट सभी मतलब 100% जो है ना कंप्लायंट लोग मिल जाएंगे। क्या ये साजिश का हिस्सा है? यदि धन धन वाली बात है तो फिर क्या कारण है कि नेताओं को चार चार पांच पांच पेंशन मिल रही है? आप एमपी लोकसभा रहेंगे तो उसकी पेंशन मिलेगी, एमपी राज्यसभा रहेंगे तो उसकी अलग पेंशन मिलेगी, एमएलए की अलग पेंशन मिलेगी, एमएलसी की अलग पेंशन मिलेगी, और आप उसके पहले सरकारी सेवा में रहे हैं तो उसकी पेंशन अलग मिलेगी। मतलब 2004 के पहले वाली बात। ये एक आपको बड़ा डाइकोटॉमी नहीं दिख रही है? मुझे इसमें कहीं षड्यंत्र दिख रहा है, और ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं अभी जो 309 के तहत, आई डोंट नो आपको जानकारी है कि नहीं है, 309 आर्टिकल के तहत एक वो जारी किया गया है कि अब जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होंगे उन्हें लिखने की स्वतंत्रता नहीं होगी, वो अपना डेजिग्नेशन भी नहीं लिख पाएंगे, मालूम नहीं क्या 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 ब्ला 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 ब्ला, उस पर विवेचन की जरूरत है। मतलब एक तरफ नेता क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ इसके इस देश के कानून के निर्माता बनेंगे, उन्हें शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, उन्हें सदाचरण की उनकी जरूरत नहीं है, वहां ब्यूरोक्रेट जिंदगी निकालने के बाद जो अपने आप को बंधन में महसूस करें और रिटायरमेंट के बाद कम से कम उनमें इतना हौसला हो कि वो देश के लिए सोच सके, और यदि कुछ एनर्जी बची हुई है जो कि नहीं बची रहती है, कुछ कर सके। तो क्या ये चाल जो है ना वो षड्यंत्र क्या आगे बढ़ के यहां तक पहुंच रहा है क्या कि ब्यूरोक्रेट्स को पूरी तरह से घेर लिया जाए जिससे कि कुछ अच्छा ना हो, अच्छे सोचने की हिम्मत भी ना रहे? क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस रहता है, अधिकांश लोग तो अपनी रीढ़ की हड्डी खो देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना बिरले ऐसे भी रहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी और स्ट्रांग होती जाती है और वो कहते हैं कि हम निपट लेंगे। मैं सेशन को भी उसी कैटेगरी में रखता हूँ। मिस्टर सेशन के बारे में लोग बात कहते हैं कि जब वो शायद ग्वालियर में आए थे तो राजीव गांधी की चप्पल उठा के उन्होंने रखी थी और उनको इस बात को काफी क्रिटिसिज्म किया गया था। मैं सोचता हूं कि वो बड़े विद्वान ब्यूरोक्रेट थे, उन्हें मालूम था कि हम चाटुकारिता करेंगे तो हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जब हम देश का भला कर सकते हैं, और उन्होंने ये बात जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने साबित भी की। तो मैं जो है ना ऐसे विद्युत जो है ब्यूरोक्रेट्स की बहुत तारीफ करना चाहूंगा जो शुरू में थोड़े से ढुलपुल ढुलपुल दिखाई देते हैं जस्ट टू मेक अदर्स बिलीव कि वो ढुलपुल हैं, उनके काम के हैं, जबकि अंदर से उनके अंदर जो ना शक्ति का संजन हो रहा है। जब मैं ऐसे उनको देखता हूं तो मुझे हमेशा सेंस आया जो है ना फिल्म जो कि अमिताभ बच्चन की, वो हमारे हमेशा जेहन में आती है कि पर्दे के सामने, पर्दे के खुले उसमें रूप में वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर थे, पान बह रहा है, तीरंग से वर्दी भी नहीं पहनी हुई है, और वही व्यक्ति रात में जो है ना सेंसाई के रूप में निकलता था और उन्हीं दुष्टों को अपने दम पे अकेले तोड़ता था। मेरे ख्याल से हमें सेंसाय जैसे ब्यूरोक्रेटों की बहुत जरूरत है, यदि यदि हम जो है ना ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को पा पाए। मुझे लग रहा है कि वर्तमान शक्तियां जो है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को बनने से ही रोकने, उनकी फैक्ट्री को ही बंद करना चाह रही है। आई डोंट नो, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बात सुन के फिर इस सेशन को यहीं पे बंद करेंगे। विडंबना हम ये देखते आए हैं कि कुछ पोस्ट होती हैं जहां वर्क्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट होती हैं, पावर सेक्टर की हैं, वर्क्स डिपार्टमेंट की हैं, इरिगेशन की हैं, तो हमने ये देखा कि कुछ अधिकारी गवर्नमेंट्स में कम, गवर्नमेंट्स में गो, और उनका एक फिक्स हो जाता है कि ये मनी स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स इन अधिकारियों के पास बने रहेंगे, और ये एक जो टर्मिनोलॉजी है मनी स्पिनिंग डिपार्टमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा कर्ज है अपने देश पे। बात होती है कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट अगर बहुत ज्यादा हो रहा है यानी रेवेन्यू आ रहा है, और अगर रेवेन्यू आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो तो जनता के कारण आ रहा है। तो रेवेन्यू अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ा है तो डेवलपमेंट वर्क्स भी हो रहे हैं, और डेवलपमेंट वर्क्स जितने ज्यादा हो रहे हैं, वॉल्यूम जितना ज्यादा हो रहा है, करप्शन का यूनिट भी मैनीफोल्ड हो गया है, और वो ऐसा मैनीफोल्ड हो गया है कि फ्रॉम पेटी कॉन्ट्रैक्टर टू ओनर्स ऑफ फाइव स्टार होटल्स, journalists from reporters in small time newspapers to owners of publications, jin dono kamon mein chahe five star hotel ka malik hu chahe wo bade publishing group ke malik hu, it involves colossal sums, and unko ye handle karne ki jo shakti prapt hui ye kinhone di, isko agar hame study karna hai to test case kar sakte hain,
मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इनके जो डिपॉजिट स्कीम्स और किस तरह से पैसे बहे गलत गलत डायरेक्शन में, और उनको पूरी की पूरी स्वतंत्रता दे दी कि तुम पैसे ही मत लौटाओ। और इस तरह से अगर हम एक एक टेस्ट केस को आइडेंटिफाई करें और बताएं कि जनता जानती है कहां क्या हो रहा है, होता क्या दफना दिया जाता है, हर बात को दफना दिया जाता है, और जो ये काम कर रहा होता है पूरी कोशिश होती है वेस्टर्न इंटरेस्ट द्वारा उन लोगों को भी दफना दिया जाए और महिमा मंडित उनको किया जाए जो सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो पत्रकारिता, चाहे स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। जो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करेंगे वो आगे बढ़ते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट की जड़ें जो है वो बहुत मजबूत हो गई। तो इनको आइडेंटिफाई कर करके अगर हमने एड्रेस नहीं किया, अगर हमने इनको इलेक्शन इश्यूज बन, तो जैसा आपने कहा था लॉबी, तो लॉबी इज नॉट ओनली लॉबिंग फॉर गेनिंग समथिंग, देयर हैज टू बी लॉबीज इन एनवायरनमेंट व्हिच शुड प्रेशर ग्रुप्स, वी नीड प्रेशर ग्रुप्स टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। और प्रेशर ग्रुप्स आपके जैसी संस्था और आपका जैसा विचार है ऑल इनकमपैसिंग, तो प्रेशर ग्रुप क्रिएट होंगे आपके अलग अलग जो आप अपने ऑर्गन्स बनाने की आपने जैसे बात की इंफोटेनमेंट से लेकर के हिस्ट्री। आज मैं इस फोरम से एक अनाउंसमेंट करता हूं कि सीएफबी एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन मॉड्यूल, मैं इस देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे पास ऐसा पाथवेज है, ऐसा रोड मैप है कि आपको इलेक्शन में एक्सपेंडिचर करना की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि एक्सपेंडिचर करना प्रतिबंधित होगा, बल्कि वो क्राइम भी होगा। आप वन टू वन क्यों बात करना चाहते हैं? आप तो मासेस के जो है ना प्रतिनिधि बनने वाले हो, आप एक बड़े वर्ग को करेंगे तो आप वन टू वन बात करके उसको मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? तो आपको जो कुछ भी कहना है, आप जो है जो सीएफबी की बिंग रहेगी, उस बिंग के जो चैनल्स रहेंगे उस पर आप कहिए, आप जितनी बार कहना चाहते हैं, जो आपका टारगेट ग्रुप है उसमें उसको प्रसारित किया जाएगा, उसकी यूट्यूब चैनल और बाकी चैनल्स पे जो है ना उसकी वो रहेंगे जिनको आप देख पाएंगे। फिर एक आपको जो है ना फिर कन्फ्रंट किया जाएगा, देखो आपने अभी तक ये कहा है, आप इसको कैसे करोगे? नहीं, इतनी बड़ी बात बोलिए या अनाउंस करने वाले हैं, तो इसके अंदर ये जो पेड न्यूज की प्रॉब्लम है कि किसको कितनी ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है चुनाव के वक्त, वो खत्म हो जाती है। आप चिंता मत करिए, जिसको जो करना है करने दीजिए, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है ना अपनी एनर्जी दूसरों की लाइन को छोटा करने बड़ा करने पे खर्च नहीं करेगा। क्राइम फ्री भारत ने यह निर्णय लिया है कि वो अपनी एनर्जी अपने काम पे खर्च करेगा। तो बेसिकली जो आप बोलेंगे, आप कई बार बोलने की बात रहेगी, देयर विल बी डेडिकेटेड टेक्निकल एनालिटिकल बींग्स, कोशिश करेंगे कि वो एआई ड्रिवन हो और वो आपके जो है ना इम्पोर्टेंट जो है ना डायलॉग्स को कट करके आपको ही परोसेगा। जो आप वीडियो पब्लिक केस के साथ इंटरफेस होगा आपका, जिसमें कि पब्लिक क्वेश्चन पूछेगी और आपको जवाब देना है कि आपने ये अभी इलेक्शन के दौरान कहा है। अब आप ये बताइए कि इसकी जो है ना आपकी विचारधारा क्या है, आप इसके लिए धन कहां से लाएंगे? तो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग तो बोलने की इच्छा नहीं रखेंगे तो वो फ्यूज हो जाएंगे, राइट? फिर जो है जो वोटिंग होगी, इट विल बी थ्रू ऐप, जो इंश्योर करेगा कि आपकी आइडेंटिटी यही है, जिसमें कि जो जैसा कि हम जो है उसमें कह रहे हैं क्राइम फ्री भारत में कि जो विटनेस है, कोर्ट ट्रायल विल बी होल्ड, वी इंटेंड टू हेल्प ज्यूडिशरी सो दैट देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। उसी का हम अगर हम ऐप को लेकर के अपने मनी ट्रांजैक्शंस और डिजिटल बैंकिंग कर सकते हैं तो वोट क्यों नहीं डाल सकते? करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे भी नहीं होगा। उसमें क्या रहेगा, जो कैंडिडेट रहेगा उस कैंडिडेट ने किन किन कैंडिडेट्स ने क्या कहा, वो इलेक्शन कमीशन या सीएफबी की कोई भी बिंग कट करके, और जो उसको पब्लिक के सामने जब डिबेट हुई तो उसने क्या कहा, क्या जवाब हुआ, दिस विल बी अवेलेबल, राइट? तो जितने भी कैंडिडेट फ्रेम में रहेंगे उनके सभी की जो है ये चीज डिस्प्ले की जाएगी। Then, उसको एक सर्टिफिकेट देना है कि आई हैव सीन इट। बैकएंड इंजन विल इंश्योर कि तुमने एंड टू एंड सुना है कि नहीं सुना है, अदरवाइज ही विल से नो यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो क्लिप पूरा, ये नहीं देखा है आपने, आप अभी वोट देने के लिए यू आर नॉट एलिजिबल। तो जब वो ये सर्टिफिकेट दे देगा, देन देयर विल बी बैकएंड साइकोलॉजिकल टेस्ट कि आप कहीं दारू के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, आप किसी भय के इन्फ्लुएंस में नहीं है। जब आपको वो मिल जाएगा तब इट विल ओपन यू द वोटिंग विंडो, आप वोट करिए थक से, एंड इट विल बी फॉर ए 7 days काइंड ऑफ थिंग। तो वो आप किसी को कहीं ना बूथ पे जाना है, ना कोई जरा पकड़ पाएगा, ना रोक पाएगा, ना बूथ लगेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा।
और हमारा जो है एक्सपेंडिचर जीरो हो जाएगा। और जब हमारा एक्सपेंडिचर जीरो होगा तो हर कोई खड़ा होना चाहेगा। इसका मतलब है कि सीएफबी विल बी फोर्स टू डिजाइन द वेज एंड मींस टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट। तो मैं इस किस माध्यम से इस मॉड्यूल को जो है ना, जब हम लॉन्च करेंगे तो और डिटेल में उसके कंटूर्स देंगे, और आम पब्लिक से अनुरोध करेंगे कि आपके जो शॉर्ट सर्ट, क्योंकि जो है ना, यदि मान लो किसी जगह पे 1 करोड़ यदि मतदाता हैं, तो जब एक्सपेंडिचर जीरो है तो 1 करोड़ लोग खड़े होना चाहेंगे, तो इस 1 करोड़ की समस्या कैसे सॉल्व होगी। इसका मतलब ये है कि एक पैनल जो है ना बनना चाहिए, जो कि 5 लोगों की पैनल है मान लो, जूम करिए। तो इसका मतलब है कि एक फेयर कंपटीशन हैज टू बी क्रिएटेड, जिससे कि शॉर्टलिस्ट करके 5 लोग हों और 5 लोग वोटिंग में जाएंगे। तो इस तरीके का जो मॉडल जो है कुछ क्रिएट करना होगा, एंड इट विल बी एब्सोल्युटली एक्सपेंडिचर फ्री। और जैसे ही कोई जो है ना व्यक्ति मरता है, कुछ होता है, तो अभी जो इतना सारा ड्रामा नाटक करने की जरूरत नहीं है, वो जो है ना 7 दिन के अंदर उसका इलेक्शन होकर नया कैंडिडेट विल कम, देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज जीरो। और कहीं ना कहीं हमें अकाउंटेबिलिटी की बात करना चाहिए, हमने कानून को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है। देखिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वी विल आल्सो हैव टू रीडिफाइन द कांसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड रिप्रेजेंटेशन, वेदर वी शुड जस्ट कंटिन्यू विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वेदर दे विल आल्सो हैव टू बी ओवरऑल। बेसिकली सिंस थिंग्स विल बी सो डाइल्यूट बिकॉज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ, जैसे मैकमोहन लाइन जो ना उन्होंने नक्शे पे खींच दी थी, ऐसे जहां चाहो वहां कंस्टिट्यूएंसी में लाइन खींच दीजिए, आपका प्रोरोगेटिव है, इट डज नॉट रियली मैटर। केवल उसमें केवल ये चीज ध्यान रखा जाए कि बल्कि वी कैन हैव द सिस्टम कि एट रैंडम जो है ना AI विल ड्रॉ द लाइंस एट रैंडम, सो दैट जो ये जाति के समीकरण है, धर्म के समीकरण है, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो आपने ये मुद्दा उठाया है कंस्टिट्यूएंसी का, कैन जो है ना कंस्टिट्यूएंसी रिकॉन्सेप्टुलाइजेशन कुड बी वन ऑफ द मेथोलॉजी, कि जो है ना जो लोग किसी जाति के लोग मठाधीश बन गए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव वही बनेंगे, इसको तोड़ने का एक बैकएंड इंजन बन के वो ऑटोमेटिकली सिस्टम विल रीडिफाइन कंस्टिट्यूएंसी एंड इट शुड बी ए नॉन पॉलिटिकल प्रोसेस। वो तो इट वुड बी, आप लोग तो यू विल गो थ्रू दैट एक्सरसाइज कि क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं टू शॉर्टलिस्ट टू डिक्लेयर अ पैनल। वी विल डिजाइन वेरियस मॉडल्स, देयर कुड बी डिबेट डिबेट एंड देन फॉर एग्जांपल as in a social media, for example, Facebook says if you have put in a post and you want to boost it, you pay some money and then they will decide कितने एरिया में आपकी ये पोस्ट दिखाई जाए। Here no money is involved. You say आप अगर खड़े हुए हैं, for example, भोपाल के 4 इमली से आप कैंडिडेट हैं, तो first it will be shown in 4 इमली how many people are following, how many likes you are getting, and that will define the ladder that you will keep climbing, and by the time वो जो running for the election की phase हो सकती है, at that stage the top notchers would get into the final panel and when it takes off, something like this. Just आपने बहुत सही कहा है, CFB election free sorry expenditure free election का एक मॉड्यूल जो है ना अपन घोषित करते हैं, और इस पे जो है ना लगातार अपन brainstorming करते रहेंगे, so that जो है at least at concept level we can refine it, number one. Number two, let's go for the legal advocacy also. तो यदि कहीं पे कोई amendment करना है, amendment करने का power चाहे अपने को ना हो, लेकिन क्या amendment होना चाहिए, वो एक draft बना के हम एक legal advocacy कर सकते हैं। और अभी जो present लोग हैं, क्योंकि अपने संविधान में private will का भी प्रावधान है, तो हम यदि एक आध ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हैं जो कि आपके उसको एज ए प्राइवेट बिल के तहत ले जाए, तो मजबूरी में चूंकि इन सब लोगों के जो है ना पतलून में आग लगने वाली है, तो ये लोग बहुत जोर से डिबेट करेंगे, दैट डिबेट विल बी यूज फॉर रिफाइनिंग दैट कंटेंट, रिफाइनिंग द प्रोडक्ट। और विजनरी आपका अप्रोच है, आई थिंक द बॉल यू हैव ऑलरेडी सेट इन मोशन, और इसको ज्यादा से ज्यादा इट शुड बी इन द पब्लिक डोमेन दीस डिबेट्स दैट यू आर। चलिए तो हम अपेक्षा करते हैं कि, और माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से प्रार्थना करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है कि क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए कानून बनाया जाए,
मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यह देश की महती आवश्यकता है, जब देश में चपरासी बनने के लिए साचरित्र और शिक्षित होना जरूरी है, तो चाहे शिक्षा को अपन नजरअंदाज कर दें, साचरित्र होने को तो हमें जो है ना वो करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए तब तक उसे जो है ना आप अपराधी कहिए, हम इस कोई विचारधारा को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ही शुड नॉट हैव राइट टू कॉन्टेस्ट, हमें उसे अपराधी कहने में कोई शौक नहीं है। आप उसे पार्टी में जो भी जिम्मेवारियां देना चाहते हो दे सकते हो, बट ही कैन नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ऐसा यदि आप कानून बनाएंगे तो इस देश के प्रति आप बहुत बड़ा जो है ना उपकार करेंगे। केवल आर्टिकल 370 को हटाने से काम नहीं चलेगा, ये कानून लाना इस देश के लिए बड़ी सेवा होगी। मैं इसी अपील के साथ प्रार्थना करता हूं कि जरूर नरेंद्र मोदी जी, जो कि बच्चों की भी बात सुनते हैं, हमारी प्रार्थना को भी सुनेंगे और ऐसा कानून जरूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।